शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ, स्वागत करता हूँ आपका फिर से सिविल मेज एंड कंस्ट्रक्शन में। आज का टॉपिक है हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जिसके अंदर हम बात करेंगे किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए हाउस कंस्ट्रक्शन करते हुए। तो सबसे पहला पॉइंट है आपकी फाउंडेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है सोयल के टाइप पर। मिनिमम जो फाउंडेशन की आपकी डेप्थ होनी चाहिए वन फ्लोर, टू फ्लोर और थ्री फ्लोर बिल्डिंग के लिए, वो आप 6 फीट रख सकते हैं। 6 फीट टू 7 फीट आप मिनिमम डेप्थ रख सकते हैं आपकी फाउंडेशन की। और आपकी फाउंडेशन किस टाइप की होनी चाहिए, आइसोलेटेड, कंबाइन, राफ्ट, अगेन डिपेंड करता है किस टाइप की सोयल है, उसके लिए एक अलग से टॉपिक बनाएंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो आप स्टील यूज़ कर रहे हैं अपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, वो करोजन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप साइड पे स्टील लेके आए और वो रखा रखा करोजन उसके अंदर हो गया है, तो अगर ऐसा होता है तो आप जब उसको यूज़ करेंगे तब वायर मैश की हेल्प से उसके ऊपर से करोजन लेयर हटा देंगे। तीसरा पॉइंट है प्रॉपर क्योरिंग। तो प्रॉपर क्योरिंग ब्रिक वर्क से लेके प्लास्टर तक आपको लेंटर की क्योरिंग करनी है। 7 to 14 days आपको क्योरिंग करनी है हर चीज़ की। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी मेजर्स, आपने क्या क्या लिए हैं। सेफ्टी शूज़ आपके पास हैं, सेफ्टी हेलमेट्स आपके पास हैं। नेक्स्ट स्टेप है शटरिंग आप कैसी यूज़ कर रहे हैं, बल्ली की यूज़ कर रहे हैं, आयरन पोल यूज़ कर रहे हैं। बेस्ट आयरन पोल रहती है शटरिंग, प्रॉपर शटरिंग जो अच्छे से रहेगी, जिससे आपका लेवल मेंटेन रहेगा लेंटर में, वो आयरन पोल शटरिंग होती है, हमेशा उसी का यूज़ करें।